आप अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमें कहाँ रुकना था और कहाँ से आगे चलना है। तो मर्यादा जब भी हम छोड़ देंगे किसी भी चीज के बारे में, जब भी आप अपना अपना लिमिट छोड़ के आगे चले जाते हो, तो उसके बाद या तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, नहीं तो फिर इतनी जोर से गिर जाओगे कि फिर संभलने को बहुत देर लगेगी। तो लिमिट को पहचानना आना चाहिए। एक लड़का था, उसने किसी फ्रेंड को देख लिया एक अच्छी वाली जींस वगैरह पहन के, फिर उसने पूछा, अरे तू तो बहुत जच रहा है जींस पर, कहाँ से ली तूने? उसने बोला, ये फला फला मॉल से मैंने खरीद ली। हाँ मैं भी मेरे पिताजी को बताता हूँ, मुझे भी एक ऐसी जींस चाहिए। उसने बोला, जी तू कुछ भी कर सकता है, अपने अपने पिताजी से मांग ले। ये बच्चा घर पे आया और पिताजी से बोला, पिताजी मुझे एक जींस चाहिए। पिताजी ने बोला, क्यों तेरे पास तो बहुत सारे हैं पहले से पड़े हुए। उसने बोला, वो कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो पिताजी ने बोला, अरे अपने घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो एक काम कर, हम अगले महीने जाएंगे और तुझे अच्छी सी जींस तुझे चाहिए ना, हम ले लेंगे। लेकिन बच्चा जो ठहरा वो कहाँ पे सुन रहा है, एक ना एज होता है ना, बच्चों का एज लिमिट होता है, वहां पे वो इतनी जिद करेंगे कि वो ये भी नहीं सोचेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट सिचुएशन इज गोइंग ऑन। तो ऐसे ही बच्चा था, उसने जिद पकड़ ली और बोला, नहीं मैं तब तो खाना ही नहीं खाऊंगा, आपको मुझे ले जाना ही पड़ेगा दुकान में, पापा के पास पैसे तो थे ही नहीं और बाकी सब चीजों से पहले से परेशान थे, लेकिन ये सुन ही नहीं रहा है। तो बहुत इसने बहुत तंग करने के बाद फिर पापा ने बोला, ठीक है छोटा बेटा आपको जींस चाहिए ना? बोला, मुझे आई डोंट वॉन्ट जस्ट जींस, खाली जींस नहीं, एक अच्छी वाली चाहिए मुझे, सबसे बढ़िया। पापा ने बोला, ठीक है सबसे बढ़िया चाहिए, हाँ महंगी वाली चाहिए, हाँ सबसे महंगी, हाँ कोई बात नहीं, चलो आज लेके रहेंगे। हाँ गए दोनों। और फिर जब वे दुकान में गए, फिर दुकानदार से पापा ने बोला, भैया एक सबसे महंगी वाली जींस दिखाओ मेरे बेटे के लिए। बेटा बोला, हाँ जल्द से दिखाओ। फिर उसने दिखाया पैटर्न्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उनमें से एक पसंद आ गया बच्चे को। फिर बोला, पापा ये ले लेंगे। पापा ने बोला, कितने के हैं? दुकानदार ने बोला, ये 1500 रुपए की है। बोले, 1500 रुपए खाली बस? नहीं नहीं थोड़ा महंगा वाला दिखाओ पैटर्न। फिर उसने और 2-4 पीस निकाले, 2000-2500 की जींस निकाले। फिर बच्चे को तो बहुत ही खुशी हो गई, फिर बोला, पापा ये वाले ले लेंगे। तो पापा ने बोला, फिर से पूछा दुकानदार से, अरे कितने का है ये? बोला, 2500 की है। बोला, 2500? नहीं नहीं और महंगी वाली दिखा। उसने बोला, नहीं इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो बेटा बोल रहा है पापा को, पापा ठीक है ना ये मुझे पसंद है। नहीं बेटा ऐसे नहीं, हमने लेनी है जींस, लेकिन ऐसी लेंगे ना आज, एकदम महंगी वाली। बोला, अगली दुकान में जाएंगे, दुकान के एक ही क्या? पापा ले गए उसको दूसरी दुकान में, सेम वही चीज, दिखाओ महंगी वाली, दिखाओ महंगी वाली, दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, जितना भी वो महंगा वाला दिखा था पापा, और अगेन यही चीज बोलते कि इससे भी महंगी चाहिए, सबसे महंगी। फिर दुकानदार एक जगह पे एक सदे पे आके बोलता कि बस इतनी है हमारे पास। फिर पापा बोलते, क्या महंगी नहीं है इससे? बोले, नहीं। और बच्चा उधर से बोलता, पापा ठीक है ना, यही ठीक है ना, ये बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं बेटा आज तो तुझे मैं जींस दिला के रहूंगा, लेकिन जींस भी होगी तो महंगी वाली, तुझे चाहिए ना सबसे बेस्ट, ये सबसे बेस्ट नहीं है, चलो और देखेंगे। 4-5-6 दुकानें जब घूमे, बच्चे को भी याद आ गया कि अरे मैंने लिमिट ला दी। पापा बोल रहे थे अच्छी तरह से कि मुझे अगले महीने में ला देंगे, लेकिन मैंने सुना नहीं, जिद पकड़ी। और फिर पापा बोल रहे कि इससे भी महंगी। और फिर जहां जहां भी वे जाते दुकानदार से पूछते कि और एक चीज दिखाओ, पर सब पूरा माल देखने के बाद भी पापा यही कहते कि इससे बढ़िया नहीं है। बोले, नहीं है। फिर पापा बोलते, बेटा चलो अपना जाएंगे यहाँ से, क्यों यहाँ पर सब इससे बढ़िया है ही नहीं। पूरा मार्केट घुमा के वापिस उसको घर पे ले आए। और फिर ऊपर पापा बोले उसको, क्या तू निराश ना हो, तू मायूस ना हो, क्यों कल हम वापिस जाएंगे और वापिस बाकी दुकानें भी दिखेंगे कल, और एकदम भारी वाली चीज तेरे ले लेंगे। बेटे को अब तक तो मालूम हो गई नहीं बात एग्जैक्टली व्हाट वाज गोइंग ऑन। उसने हाथ जोड़े पापा को, पापा मुझे समझ में आ गई है बात, और मुझे ये भी पता चल गया है कि आप अब जींस नहीं खरीदोगे अगले महीने, लेकिन जरूर खरीदोगे, अगर आपने बोला है खरीदूंगा अगले महीने, तो आप जरूर लाओगे मेरे लिए कुछ। तभी तो सॉरी आई क्रॉस्ड माय लिमिट,
आपने उसके सर से हाथ इसे मारा, बोला बेटा जब बड़े बोल रहे हैं ना कि रुको तो रुकना भी सीखना चाहिए। उसी तरह से दोस्तों कभी कभी हमारे कोई गाइड्स होते हैं, हमारे कोई टीचर्स होते हैं, कोई घर में भी कोई बड़े लोग होते हैं, तो हमें बताते रहते कोई बात, लेकिन हम है कि सुनते ही नहीं, हम है कि जिद पकड़ के रहते हैं। और जब भी जिद पकड़ते हो तो फिर उसके बाद में नतीजा ये होता है कि घूमा फिरा के वापिस चीज वही पे आ जाती है। तो इसके बाद याद रखेंगे, जब भी कोई भी आपको बोल रहा है ना कि इसमें खुद भी थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, थोड़ा रुकेंगे, जब भी कोई कहेगा ना तो एटलीस्ट वो थिंकिंग अपॉन इट, वो क्यों बोल रहा है इसे, वो उसके ऊपर थोड़ा विचार करने के लिए ही सही है, लेकिन रुकना जरूरी है।